एक्टर अर्जुन कपूर, तबू नसीरुद्दीन शाह, राधिका मदान स्टारर फिल्म कुत्ते फाइनली हिट द सिल्वर स्क्रीन टुडे। द फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय इस फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज सन आसमान भारद्वाज। एज नाउ द फिल्म इज रिलीज्ड, लेट्स चेक आउट सम पब्लिक रिएक्शन। कुत्ते कैसी लगी आपको? बहुत 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 ज्यादा बढ़िया। आई थिंक जहाँ पे टब्बू, विशाल भारद्वाज, कोंकणा सेन शर्मा, गुलजार, ये सब मिल जाए तो मतलब एक करिश्मा होना ही है, तो वो करिश्मा हो गया। मुझे लगता है कि मूवी निश ऑडियंस के लिए है, एक तो एडल्ट्स है और इसमें काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है, बट वो दिखाया है कि जैसे करप्ट लोग इतना मतलब मार धाड़ करते हैं, इतने लोगों का कत्ल करते हैं, बट इन दी एंड उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, तो वही दिखाया गया और बहुत मज़ा आया देख के। सर, कुत्ते कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी मूवी, अच्छी लगी मूवी। कैसी लगी कुत्ते? एकदम बकवास जी, चलेगी नहीं पिक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर पसंद आया, शॉर्ट है, क्रिस्प है, अच्छा लगा। बहुत वीक, बहुत डिसअपॉइंटिंग। इसमें अर्जुन कपूर है, राधिका मंदान है, तब्बू है, नसीरुद्दीन शाह है, किसका काम अच्छा लगा आपको? किसी का नहीं, काम जो है जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में सबका नाम बहुत है, और तब्बू हो गई, नसीरुद्दीन शाह जी जो हैं, और कुमुद मिश्रा जी हैं, और बाकी जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो सब अपने आप में इतने जाने माने लोग हैं। और जो ट्रेलर देखा था उससे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी इस फिल्म की, क्योंकि विशाल भारद्वाज जी का भी नाम जुड़ा हुआ है इस फिल्म में, उनके बेटे की ये फिल्म है, तो लग रहा था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है, पर जितना हाई ट्रेलर ने बनाया था फिल्म उतनी ही वीक है, उतनी ही डिसअपॉइंटिंग है। Now let's see how many stars they gave the movie. 2 stars. मैं कुत्ते को 4.5 out of 5 stars दूंगा, मुझे बहुत ही बढ़िया मूवी लगी, और 0.5 स्टार सिर्फ और बेहतर बन सकती है इसलिए मैंने काटा, बट परफेक्ट लगी मुझे, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं लगा। बहुत देखो 5 में से 5 ही दूंगा, क्योंकि मुझे एक्शन बहुत जबरदस्त लगा इसका, और सब बढ़िया एक्टरों को, सबका बढ़िया काम है। इसमें गोलीबारी बहुत है, जो गोलीबारी का मैं प्रेमी हूँ। मेरे भी गोली लगी, ऑड कर रख दूंगा। Subscribe to our channel, just click on the bell icon for all the latest updates.